अब जो सेकेंड थ्योरी होता है फिन फोल्ड थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया गया था बाल्फर एंड थेचर के द्वारा, लेकिन इसको बाद में सपोर्टेड किया गया मिलवर्ट के द्वारा। तो जो मिलवर्ट होते हैं ये जो मेनली इस थ्योरी को प्रोपोर्शनल किए हैं। तो पहला आता है जो इस थ्योरी के अनुसार हम लोग देखते हैं, जो ये थ्योरी जो होता है वो होता है मीडियन फिन्स और जो पेयर्ड फिन्स, जो अनपेयर्ड और पेयर्ड फिन्स बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच जो मतलब एक प्रकार से लिंक का कार्य करता है। तो जो पेयर फिन्स होते हैं ये फोल्ड के आधार पर डिराइव किया गया है। तो फिन फोल्ड थ्योरी में हम इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो जो फिन फोल्ड थ्योरी होता है, इस थ्योरी में एक फिश का डायग्राम दिख रहा है। इस फिश में सबसे पहले ये एंसेस्ट्रल टाइप के फिश हैं, इसमें पूर्ण रूप से फिन का जो है फोल्ड हमको दिखाई दे रहा है। अभी इसमें हम लोगों को ना तो कोई फिन किसी प्रकार के फिन दिखाई दे रहा है, ना किसी प्रकार का टाइप्स का ऑफ फिन्स दिखाई दे रहा है। एक केवल एक फिन का फोल्ड दिखाई दे रहा है, जो एक लेटरल फिन फोल्ड है, एक फिन फोल्ड है। तो जो धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होते गई और फिर बाद में जो यही फिश जो होता है कुछ इस प्रकार से अपने जो कुछ फिन्स फोल्ड को क्या बोलता है यह त्यागता गया है ना, और धीरे धीरे कट करके अपने एक प्रकार से जो प्रिमिटिव कंडीशन में जो फिन्स डेवलप हुई वो धीरे धीरे रिग्रेस हो करके बीच बीच में कुछ फिन्स बचे जो कि मीडियन फिन्स कहलाए, कुछ कॉडल फिन्स कहलाए, कुछ पेयर्ड फिन्स कहलाए। पेयर्ड फिन्स में मेनली हम लोग पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स को जानते हैं, जबकि मीडियन फिन्स में हम लोग डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉडल फिन को जानते हैं। अब उसी प्रकार से अंत में क्या हुआ, जो एक प्रकार से क्लीमेटियस जो एक ग्रुप होता है फिश का, उसमें जो फिश एक क्लीमेटियस फिश है उसको देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फुली डेवलप्ड फिन्स हो चुके हैं। तो इसी को फिन फोल्ड थ्योरी में बताया गया है। इस थ्योरी में यह कहा गया इस थ्योरी में बताया गया द एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट हैड ए पेयर ऑफ लेटरल कंटिन्यूअस फिन्स फोल्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिहाइंड द गिल अप टू द एंड ऑफ द टेल। इसमें वही जो पहले मैंने डायग्राम में बताया उसी को बताया गया है कि इसमें जो लेटरली साइड फिन्स के जो लेटरली साइड में कंटिन्यूअस फोल्ड बने हुए हैं, फैले हुए हैं, जो कि पीछे तक टेल के रीजन तक के इंड तक फैले हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दिस फोल्ड वेयर सेपरेट इन द प्रोक्सिमल पार्ट बट फ्यूज्ड इन द कॉडल रीजन। ये क्या होता है, जो फोल्ड होता है वो सेपरेटेड होता है, प्रोक्सिमल पार्ट पे सेपरेटेड हो गया है, लेकिन क्या होता है कॉडल रीजन पर यह फ्यूज होता है। इसी कारण जो हमने डायग्राम में देखा था कि जो कॉडल फिन होते हैं वो दोनों तरफ से अपर और लोअर रीजन दोनों रीजन में वह जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं। और बिहाइंड द एनस एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल फिन फोल्ड, और ये वेंट्रल फिन फोल्ड का फॉर्म करते हैं। तीसरा पॉइंट यह कह रहा है अस द कंटिन्यूस फोल्ड वेयर अन ऑब्स्ट्रक्शन इन स्विमिंग, मतलब यह ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा उत्पन्न करता है स्विमिंग में लगातार, ये जो फोल्ड होते हैं इसी कारण ये धीरे धीरे नष्ट होते गए और एक नए नए प्रकार के फिन्स डेवलप्ड होती गई ताकि वह उनकी स्विमिंग में कोई प्रकार की प्रिवेंट उत्पन्न न हो और वो अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकें, और प्रिवेंट द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और यह बॉडी के जो मतलब जो फोल्ड रहते हैं वह प्रिवेंट करते हैं बॉडी के मूवमेंट को। सर्टन पोर्शन ऑफ दिस फोल्ड बिकम इनलार्ज विल द इंटरमीडिएट पोर्शन डिसअपियर। इसी कारण जो उसकी जो बीच में जो बीच में जो फिन फोल्ड की जो स्ट्रक्चर थी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर थी वो धीरे धीरे नष्ट होती गई और नए नए प्रकार से इसका यह रिजल्ट निकला कि जो फिन्स जो होता है वो गिल्स आर्च के समीप में क्या होता है एक पेयर फिन्स हुआ जिसको पेक्टोरल फिन्स कहा गया, जिसको हम लोग गार्डल फिन्स भी बोल सकते हैं या इसको हम सोल्जर फिन्स भी बोल सकते हैं। और जो पेयर फिन्स के एनस के समीप में जो फिन्स डेवलप्ड हुई जो हिप रीजन पे उसको हम लोग पेल्विक फिन बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसका रिजल्ट यह निकला कि जो फिन फोल्ड थ्योरी है वह मोस्ट फेवरेबल थ्योरी है जो कि यह बताता है कि मतलब फिन्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। अब जिस प्रकार से हमने पहले गिल आर्च थ्योरी में देखा था कि कुछ ऑब्जेक्शन उठे थे, लेकिन यह जो
थ्योरी जो होती है फिन फोल्ड थ्योरी, यह इसको इसमें किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन नहीं उठी, वो भी अमान्य कर दी गई। इस कारण जो फिन फोल्ड थ्योरी होती है यह मान्य की गई है, और यही मेन थ्योरी जो होता है फिन फोल्ड थ्योरी। फिन फोल्ड थ्योरी के कुछ हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल और पेरेंटियोलॉजिकल जो फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट क्या होता है, द मोड ऑफ डेवलपमेंट इन द अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द पेयर्ड फिन एंड द मीडियन फिन्स आप फिस आर आइडेंटिकल। इसमें यही कहा गया है कि जो इसकी जो मोड होती है डेवलपमेंट की जो मोड होती है पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स की, वो होता है समान होती है। दूसरा इसमें यह स्टडी मतलब यह फैक्टर निकला कि जो इलास्मोब्रेन के इम्ब्रियो एंड इन एक्सटिंक्ट शार्क क्लेडो स्लेच द पेयर्ड फिन्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल एंड हैव पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ देयर फिन रे। वहीं बोल रहा है कि जो फिन रे होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म है, जो कि बॉडी वॉल से पूरे बॉडी में समांतर अरेंजमेंट हुआ है। द सजेस्ट ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम ए कंटिन्यूस फिन फोल्ड, और इसमें ही सजेस्ट किया गया कि जो फिन फोल्ड जो होता है वो कंटिन्यूस ओरिजिन हुई। तीसरा यह कहता है कि क्लीमेटियस जो एक फिश होता है उसके बारे में हमने देखा कि जो फुली डेवलप्ड फिन्स उसमें पाए जाते हैं। देयर वॉज ए सीरीज ऑफ स्मॉलर स्पाइन एंड अ फिनलेट बिटवीन द पेक्टोरल एंड अ फिन पेल्विक फिन, और यहीं पेक्टोरल और पेल्विक फिन के बीच में फिनलेट और स्पाइन छोटे छोटे स्पाइन पाए जाते हैं। इसी कारण यह सजेस्ट किया गया कि जो ये दोनों जुड़ करके कंटिन्यूस फोल्ड के द्वारा जुड़ करके एक मतलब फिन्स का डेवलपमेंट किए, और इस प्रकार से यह जो थ्योरी है जो फिन फोल्ड थ्योरी है यह इस पर आधारित है। तो यही मेनली मान्य थ्योरी है जो फिन फोल्ड के डेवलपमेंट को निर्धारित करता है या फिन के डेवलपमेंट को पेयर्ड फिन के डेवलपमेंट को बताता है। और इस थ्योरी के आधार पर यह बताया गया कि जो फिन की उत्पत्ति होती है वो कॉर्डल फिन मीडियन फिन और पेक्टोरल पेल्विक फिन समान होती है। इस प्रकार से यह थ्योरी बताई गई। अब एक और थ्योरी निकली जिसको फिन स्पाइन थ्योरी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है स्पाइन का पाया जाना। पेयर्ड फिन वेयर डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेकोडर्म एंसेस्टर, और ऑस्ट्रेकोडर्म एंसेस्टर में यह डिराइव्ड हुआ। सम ऑस्ट्रेकोडर्म पोसेस्ड ए पेयर्ड रो ऑफ डर्मल स्पाइन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, यह बॉडी के वेंट्रल साइड में पाया गया, जिसके कारण लॉस ऑफ स्पाइन लगातार स्पाइन को लॉस होते गया, और स्पाइन के लॉस होने से फिन का डेवलपमेंट हुआ और इसमें पेयर्ड फिन्स पाए गए। यही इसकी मेनली जो फिन स्पाइन थ्योरी बताई गई। तो हमने आज स्टडी किया तीन थ्योरी के बारे में, गिलार्च थ्योरी, फिन फोल्ड थ्योरी, फिन स्पाइन थ्योरी। ये तो तीन थ्योरी होते हैं ये पेयर्ड फिन के डेवलपमेंट को बताते हैं। तो जो इस प्रकार से जो पेयर्ड फिन्स होता है हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।